हाँ क्या है? बाप रे, बोले बच्चे कितना दौड़ रहे होते। एवरीवन, वेलकम बैक टू श्रीश आकांक्षा ब्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज है हमारा कौन सा डे? सैंडिएगो डे 3 है। और मॉर्निंग में, मतलब आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, हम लोग मिडवे म्यूजियम गए थे। तो अब हम लोग लंच के बाद जा रहे हैं ला होया केव और ला होया चिल्ड्रंस पार्क, चिल्ड्रंस स्कूल। हाँ, तो वहाँ पे बेसिकली बहुत सारी सील होती है और छोटा सा ऐसा पूल है बच्चों का, और मतलब ऐसा बीच जैसा है शायद। तो गाइज, मैंने गूगल करके देखा उसको चिल्ड्रंस बीच क्यों कहते हैं। एक्चुअली पहले उसको ऐसे ही बनाया गया था कि वो एक सेफ स्विमिंग स्पॉट हो बच्चों के लिए, पर वहाँ पूरा सील्स और उनके बच्चों ने उसको कॉन्कर कर लिया, तो एक्चुअली अब वो उनका स्पॉट हो गया है। बट ओरिजिनली उसको ऐसे ही बनाया गया था कि वहाँ पे ऐसे बच्चे स्विमिंग कर सकते हैं, सेफ एरिया है। बट अभी वहाँ पे तो सील रहते हैं पूरे टाइम। तो चलो देखते हैं। तो गाइज, हम बीच के पास आते जा रहे हैं और यहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर घर है लोगों के, कितने बढ़िया है। मतलब इन्फिनिटी पूल है, पता नहीं क्या क्या ही। देखो सामने कितना अच्छा व्यू है। लग रहा रोड पानी में जा रही। ओह बाप, कोई निकल तो नहीं रहा है कि मैं पार्किंग लगाऊं। देखते हैं कहाँ पार्किंग मिलेगी। जो रेस्टोरेंट है तो वैसे बीच देखते देखते समुंदर व्यू। बीच तो नीचे है, हाइट से ओशन देखने का। हम लोग पहुंच गए लाहोयला कोव, लाहोया कोव, उस एरिया को कोव बोलते हैं। ये जो इधर अभी जाएंगे, यहाँ पर से मछली की बदबू बहुत आ रही, क्योंकि ये सब जो हैं वो मछली लाल लाके खा रही हैं। ऐसे ही कुछ माहौल चल रहा है यहाँ पर, पार्टी। एक सील भी है। कहाँ सील? हाँ ये देखिए, एक सील भी है इधर। चले आगे की तरफ चलते हैं, बहुत अच्छा व्यू है इधर से। ये कोव एरिया है और 10 मिनट वॉक करके चिल्ड्रंस पूल है जो आकांक्षा बता रही थी। पहले इसमें नीचे तक भी जा सकते हैं, फिर दुकानें वगैरह भी कुछ कुछ लोगों ने लगा ली है बेचने के लिए। लाइफ गार्ड स्टेशन, वाटर टेम्परेचर 58 फ़ारेनहाइट, ठंडा है बहुत। इधर हवा चल रही है बट इतनी ठंडी हवा है नहीं, मतलब नॉर्मल हवा है, ठंड नहीं लग रही। वेव्स की आवाज आ रही है क्या जोर जोर? हाँ ये वेव्स की आवाज है। इधर सील कहाँ पे? ओ सारी सील, इतनी सारी। ये सील्स हैं जो पड़ी हुई हैं। ये अलग अलग ये सील्स हैं, एक के ऊपर एक पड़ी हुई हैं। इनको देखने लोग आते हैं दूर दूर से, नेचुरल हैबिटेट है इनका। ढेर सारे सी लायंस है ये देखिए, या सील्स। वो देखिए ऐसे ही शोर से चल चल के आ रहे हैं ये ऊपर। ये देखिए आई है, क्यों पड़ी रहती है? ये आ गई है। तो गाइस यहाँ पे बताया है ला होया कोव सील्स एंड सी लायंस में डिफरेंस। द सैन डिएगो कोस्ट इज होम टू बोथ हार्बर सील्स एंड कैलिफोर्निया सी लायंस। दे मे लुक सिमिलर बट देयर डिफरेंसेस आर इजी टू स्पॉट। कितना बढ़िया लग रहा है ना, इतनी फेमस एरिया है। अभी मुझे समझा मैं बीच पर्सन हूँ। माउंटेन में रह रहे हैं, पहाड़ों में रहना पड़ता है। बहुत ही अच्छा इधर, पिंक कलर का कोई फूल है ये देखिए, क्या पता कौन सा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है देख के ऐसे। चिल्ड्रन पूल्स की बात हम कर रहे थे, चिल्ड्रन पूल वो ये है, शेडेड एरिया बनाया है मस्त। और यहाँ अच्छी फोटो भी आएगी।
वो देखो पूल, चिल्ड्रंस के लिए पूल बनाया था, बच्चों के पूल में ये सी लायन सील घूम रहे हैं। गई गई गई, अरे ऐसे सरक सरक के पानी में जा रही। हाँ थोड़ा अंदर ही है पानी के, देखते हैं फिर तैर लेगी। अरे वाह तैर गई, ये आपने पूरा प्रोसेस देख लिया पानी में जाने का और निकलने। सी लायन देख रहा है वहां पर है क्या सीन, कैसा लग रहा है बाबू? पास आ गया है भाई चढ़ चढ़ के। ओ बाप रे भैया देखा सी आगे ला, ये देखो यहाँ तक आ गए। देखो कौन है नीचे तक जाते हैं, अभी जाग गया है तो उसको लेके चलते हैं, उसको मजा आ रहा है। अभी हम लोग नीचे आ गए पानी के पास। बाप रे बोले बच्चे कितना दौड़ रहे होते। चलो उस तरफ चलते हैं। 6 7 8 9 काउंटिंग कर दो। बट अब यहाँ का हो गया हमारा घूम के, और मौसम भी थोड़ी और तेज ठंडी हवा चलने लगी है, तब हम बस वापस ही जा रहे हैं कार में। अभी अभी भी 4 ही बजे, तो हम सोचे एक और जगह चले जाते हैं, एक सनसेट पॉइंट करके पॉइंट लोमा एरिया में, जिधर हम लोग रुके हुए हैं एयरपोर्ट के पास, मतलब 10 मिनट पे एयरपोर्ट से, तो उधर जाते हैं पॉइंट लोमा। और कल हमारी फ्लाइट है शाम को, तो उसके आसपास 2-3 मॉन्यूमेंट और हैं प्लेसेस जाने की, तो वो कल सुबह जाएंगे। अभी तो गाइस हम लोग आ चुके हैं सनसेट क्लिफ पे, तो यहाँ भी बहुत ही अच्छा बीच जैसा है। ये देखो हाय हाय बच्चा छोड़ दिया तो नीचे चला जाएगा। नहीं एक्चुअली क्लिफ है बेसिकली, तो वहाँ पे बस पानी आ रहा है और दूर से पानी को देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा लगता है बस वेव्स को देखते रहो। वाह 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 भैया, इसको मजा आ रहा है टहलने में। ये क्लिफ है, ज्यादा दूर तक टहलने मत जाना बाबू, नीचे चलो इधर 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 हाथ पकड़। गोद में ले लो नहीं तो बच्चा भाग जाएगा नीचे। और हवा भी चल रही है, फोटो लेके फिर चलते हैं इधर से, ठंडक भी लग सकती है। और जैसे सब उड़ने लग रहे हैं और ठंडी हवा भी हो गई है, शाम हो रही है, थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा भी चल रही है। वैसे तो 4 ही बजे हैं बट फिर भी घर से मैं चाय पत्ती इलायची डाल के लाया था, तो चाय बन रही है, बहुत दिन हो गए थे पिए हुए, तो आज पीते हैं चाय अपनी। और हम बिस्किट वगैरह लेके भी आए थे, तो ये बच्चा बदमाशी करने लगा है, पूरे कपड़े इधर उधर, सब सामान उधर से उठा के इधर फेंक रहा है, इधर से उठा के उधर, अब वो देखो ऊपर चढ़ने में लगा। अभी हम लोग मैक्सिकन फूड डिनर करने निकले हैं, जस्ट अभी बारिश भी शुरू हो गई, आज दिन भर सूखा था और शाम को इस वक्त बारिश शुरू हो। हम लोग रेस्टोरेंट में बैठ गए, कोस्टेला करके नाम है इसका। बाबू क्या खा रहे हो? फाइन डाइनिंग है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। और इधर ही पीछे हार्बर, तो आउटडोर बैठते तो सीधे पानी के ऊपर, बट अभी ठंडा है आउटडोर, तो इसलिए इंडोर ही हमने बैठा है। बाबू को कलरिंग का इधर इस वाले रेस्टोरेंट में भी मिल गया। नहीं हर अच्छे रेस्टोरेंट में रहता है बच्चों के लिए, कलरिंग का कुछ दे देते हैं टाइम पास के लिए। हाँ डेनवर में इतना ये बाहर गया नहीं। Yeah.
अलग ही यहाँ पे मैथ्स की काम। मस्त आग जल रही है इधर, ठंडी हवा भी चल रही है। हाँ अभी क्यों हो गया, हमने कोस्टेरा में खाया, बहुत ही सही था। अच्छा था, बस एक प्रॉब्लम हुई, हम मशरूम डाल दिया था। हमने वेजी कैसेडिया मंगाया और उसमें उसने ढेर सारा मशरूम डाल दिया और हमने बोलना मना, हम बोलना भूल गए। हम वेजिटेरियन है लेकिन मशरूम नहीं खाते हैं। बट ये हार्बर आइलैंड है, उसके लास्ट पॉइंट पे इन्होंने ये वाला कोस्टेरा करके बनाया है। व्यू बहुत अच्छा था, खाना भी बहुत अच्छा लगा हमारा स्टार्टर वगैरह। हम लोग वापस आ गए फाइनली खा पी के, बहुत अच्छी लोकेशन थी खाने के लिए। तो मैक्सिकन था तो वेजिटेरियन ऑप्शन भी वहाँ मिल जाता है मैक्सिकन में, और ठीक हमारे सामने जो हार्बर यहाँ से दिखता है उधर ही था खाने का, तो 5 मिनट का भी रास्ता नहीं था, तो ये काम अच्छा हो गया। अब फिर अभी को खिलाते पिलाते हैं उसका बना के जो भी, क्योंकि वो वहाँ पे उतना खाया नहीं, किड्स मेन्यू से मंगाया था हमने और उसको उतना पसंद नहीं आया, तो हम यहाँ पे बनाते हैं उसका। और आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और कल हमारा लास्ट डे है तो कल सुबह थोड़ा सा घूमेंगे क्योंकि फ़्लाइट शाम 6 बजे है, तो पूरा दिन है हमारे पास, तो देखते हैं क्या करना है कल। वैसे सब कुछ तो हम घूम ही लिए 3-4 दिनों से, तो कोई नहीं कुछ ढूंढ लेंगे। तो आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।